एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानी और आज है दुर्गा अष्टमी, आई मीन अष्टमी। और आज है मामा मेरा दोनों का व्रत और साथ ही में मॉम जाने वाली हैं नानी के यहाँ होली के काम में, मिलन समारोह समथिंग है तो उसके लिए। और आज होने वाला है हवन शाम को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली नवदुर्गों में। और उसकी तैयारी के लिए हमने सामान मंगवा लिया है और क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है। और आज घर पे मुझे सारा खाना खुद ही बनाना पड़ेगा अपने लिए, तो थोड़ी सी सैड हूँ इस मामले में क्योंकि मुझे मॉम के ही हाथ का खाना अच्छा लगता है। बट या वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, तो करते हैं ये और शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। पहले तो मुझे पूजा करनी है और अभी मैं जाने वाली हूँ पूजा करने, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है और क्या क्या करना है। पूजा ख़त्म हो गई है और ख़त्म हो चुकी है और भोग भी लग गया है। और भोग में आज देखिए मैंने क्या लगाया है, अंगूर। ये पूरा गुच्छा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत रेयरली मिलता है कि पूरा गुच्छा मिल जाए और वो लगे रहे, वरना तो निकल जाते हैं। बट इट्स लुकिंग सो प्रिटी। और भोग में मैंने आज ये लगाया था तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है और उसके बाद आगे के दिन की शुरुआत करते हैं और करते हैं काम बाकी का। सो, व्रत का सारा खाना तो बन चुका है। मम्मा भी लेट हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो सब बना कर ही जाए, मुझ पर कोई प्रेशर ना आए। बट क्योंकि बाकी सबको मेरे हाथ का इतना नहीं पसंद, मम्मा के ही हाथ का पसंद है। सो, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरे को अब चिप्स भूनने हैं और फिर सारा खाना रेडी हो जाएगा। तो चलो चिप्स भून लेते हैं। मैंने ये घी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये दूध पक्का निकल जाएगा अभी। उसकी जैसे ये घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम चिप्स भूनना स्टार्ट करेंगे। हेलो, क्योंकि मुझे कहोगे अगला इंसान काम भी सब करेगा। हमारे रेडी हो गए हैं। दिस इज़ हाउ माई व्रत की थाली इज़ लुकिंग लाइक। और बहुत ही ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रही है ये। बेस्ट पार्ट व्रत का यही होता है कि इतना ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। ऑल्दो ये जंक फूड नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चिप्स, आलू और दही। मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। मम्मा तो अभी चली गई हैं और अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है। मैंने हवन सामग्री के लिए साकिल सुखाने रख दिया। साकिल क्या होता है, आई विल शो यू इन अ मिनट। अभी फ़िलहाल बर्तन मांजते हैं क्योंकि बर्तन पूरा सिंक भरा हुआ है। आई रियली हैव टू डू इट, तो वो करते हैं और उसके बाद देखते हैं हवन की तैयारी करना शुरू करते हैं। बिकॉज 4 ऑलरेडी बज चुके हैं और 6 या 7 बजे हमें हवन शुरू करना है। सो यह तो ये साकिल है, ये इसमें जौ है, साठी के चावल हैं और काले तिल हैं। ये पंचमेवा है जो इसमें पड़ती है। हमारे पास देसी घी है, बताशे हैं और साथ में हवन सामग्री है। अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ और सब चीज़ों को मिक्स करके प्रॉपर हवन सामग्री तैयार की जाती है। सो लेट्स प्रिपेयर इट और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सारी चीज़ें मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें मैंने डाला है देसी घी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देसी घी इसलिए पड़ता है ताकि ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। तो भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पून से तो मेरे ख्याल से मिस होगा नहीं, तो हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा।
तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि सारा घी वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। सो यहाँ पे हमारी सारी हवन की सामग्री, वेदी, भगवान जी सब तैयार हो चुका है। और इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद अब हम सीधे हवन की तरफ जाने वाले हैं और जल्दी शुरू करने वाले हैं हवन। सो या स्वाहा इदम विश्वे, ओम श्री स्वाहा इदम श्रीयो, ओम षोडश मात्र भ्याम नमः स्वाहा इदम षोडश मात्र काभ्याम नमः स्वाहा, ओम गणपताय नमः स्वाहा, ओम गणपताय नमः स्वाहा, ओम गणपताय नमः स्वाहा। ओम लड्डू के भोग लगे संत कर सेवा, एक दंत दयावंत चार भुज धारी, मस्तक सिंदूर सोने मुसे की सवारी, अंधेर को आत देत कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को मान, सूर श्याम चरण आए सुफल की जो सेवा, बिछर में ना हमारी पार करो देवा, सदन सिद्धि गौरी नंदन कैलाश वासी, मनोकामना पूर्ण कर दो मैं चरणों की दासी। हवन खत्म हो गया और अभी मैं फलाहार कर रही हूँ और आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में, जहाँ हम खिलाने वाले हैं कंचके और दुर्गाष्टमी पूरी हो गई है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय।